सोच रहा हूँ कि किसी किसी जानवर को पाल लूँ। ये कैसा सवाल है मोहन? अभी आप पूछ रही है? अरे यही तो इस घर का रिवाज है कि नहीं? और आपका बेटा रेफ्यूजी को इस महल में ले आया, और आप इन्हें लाई भैया जी की जगह पे। तो मैंने भी सोच लिया कि सड़क से मैं भी किसी को घर ले ही आता हूं। क्या है ना कि रॉयल्टी में इन्हीं लोगों के लिए तो जगह बची है। मोहन, मेरी ज़बान को लगाम दो। बस कीजिए। अगर आपको बुरा लगा हो ना तो मैं माफी चाहता हूं, पर आपने ये जो रॉयल्टी का पैच लगा के रखा है ना, ये कुछ दिन में कौड़ियों के भाव बिकेगा बाजार में। हमारा ये रॉयल खून ना कहां कहां मिक्स हो रहा है, और ये वीर का तो ना कोई कसूर नहीं है, वो तो बस अपने इतिहास को दोहरा रहा है। इस रॉयल खानदान में सिर्फ एक ही रॉयल पार्टनर है, और वो है मेरी पत्नी। इस राजघराने की मर्यादा और परंपरा का ध्यान रखने की किसी को नहीं पड़ी है। मोहन, माफी मांगिए विजेंद्र जी से, अभी के अभी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। देखिए, अगर आप चाहती है कि मैं आपसे माफी मांगू, तो मैं फिर से माफी मांगता हूं, पर राजघराने के बाहर वाले लोगों से माफी मांग के मैं इस घर की नाक नहीं कटाना चाहता। शर्म आ रही है तो इसे पहन के घूमिए चाचा। शर्म तो औरत का गहना होता है, लेकिन तमीज तो राजघराने के लोगों का आभूषण होता है। आप बिना आभूषण क्यों घूमते रहते हैं चाचा जान, और वो भी हमेशा? विजेंद्र साहब हमारे पापा हैं, रानी माँ। पापा साहब से बदतमीजी ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वाह भाभी, देखिए कौन हमें तमीज सिखा रहा है। अगर बड़े भाई साहब होते ना और तुम्हारा ये रूप देखते तो फिर से मर जाते। देखिएगा, ये जो राजपाट है ना, ये बाहर वालों के हवाले हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। रेफ्यूजी बहू,
चाची जान, कैसे हैं आप? सब खैरियत? मोहन ने बदतमीजी जरूर की है, लेकिन उसके खून खोलने की असली वजह तुम हो। तुम और तुम्हारी हरकतें अगर सही होते तो ना अनाहिता तुम्हें छोड़ के चली जाती और ना ये लड़की यहां आती। ये सब करके तुम साबित क्या करना चाहते हो? हम तो बस खुशियां मनाना चाहते हैं, खुशियां। कर क्या रहे हो तुम? नाच रहे हैं माँ, नाच रहे हैं। वही जो आपको करना चाहिए था। अरे आपके बेटे की शादी हुई है, आज मुंह दिखाई की रस्म है और आप नाच गाना नहीं, जश्न नहीं मना रहे हैं। अरे हमें खुशी इस बात की है कि जिस लड़की की मुंह दिखाई होने वाली है उसकी खूबसूरती देखकर हमारा दावा है कि आप सब अनाहिता को भूल जाएंगे। और माँ आपने कहा था ना, ये तो होना ही था ना वीर। तुम जैसे इंसान के साथ अनाहिता तो क्या, कोई भी लड़की शादी नहीं करेगी। हाँ भी आपका दावा गलत निकला, क्योंकि हमें सिर्फ अच्छी नहीं, सबसे अच्छी, सबसे खूबसूरत लड़की से हमारी शादी हुई है। चाची जान मुंह दिखाई की रस्म शुरू करें हम? नेकी और पूछ पूछ हुँ? पता है मैं कब से मरी जा रही हूँ लड़की का चेहरा देखने के लिए। मैं भी। क्या कर रही है परंपरा? पता है लड़की का चेहरा देखने का सबसे पहला हक तुम्हारा ही है, लेकिन हमने क्या गुनाह किया है? अरे अब सब्र नहीं होता प्लीज। चाची सब्र रखिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा ही नहीं सुंदर भी होता है। आइए। संतु काका पूजा की थाली। ये शादी से इनकार मत करना, क्योंकि अगर आपने ये फैसला लिया कि आप ये शादी नहीं करेंगी तो आपके और आपके परिवार की जिंदगी में बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। आपकी बहन की शादी टूट जाएगी। आई एम श्योर ये नहीं चाहेंगे कि आपकी भांजी ताने सुनते सुनते बड़ी हो। बस एक चीज चाहिए, कभी भी हमें छोड़ के मत भागना। वो लड़की हमें जहां भी मिले, जिस भी हालत में मिले, गोली मार देंगे हम उसे। अगर वीर को पता चला कि मैं ही घूंघट में हूं तो गुस्से में जान ही ले लेंगे मेरी। बहू का चेहरा पहले हम देखेंगे। हमारे बेटे का दावा है कि यह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को इस घर की बहू बनाकर लाया है। देखते इसकी बात में कितनी सच्चाई है। देखते हैं एक रेफ्यूजी लड़की
इस घर के रॉयल फैमिली मेंबर्स के साथ खड़े होने लायक है भी या नहीं। जानते थे कि तारीफ के दो लफ्ज नहीं निकलेंगे आपके मुंह से। खैर, आपकी चुप्पी में ही हमारा जवाब है, क्योंकि अगर आपको चेहरा पसंद नहीं आया होता तो अभी तक तो घर में बवाल खड़ा हो गया होता, है ना रानी मां? बहू तो सचमुच बड़ी सुंदर है। आखिर में आपका दावा गलत साबित हो ही गया। आप ही कहती थी ना कि कोई भी ठीक ठाक लड़की भी तुमसे शादी नहीं करेगी। अफसोस, हमने आपको गलत साबित कर ही दिया। मिलना सर, आप मुझे रानी साहिबा से मिलना है, बहुत जरूरी काम है उनसे। आप अंदर नहीं जा सकते? देखिए, मुझे अंदर जाने दीजिए, मेरा रानी साहिबा से मिलना बहुत जरूरी है। आप यही इंतजार कीजिए, अंदर नई बहू की मुंह दिखाई की रस्म चल रही है। अरे आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए, दो मिनट का काम है, दो मिनट में मिलकर वापस आ जाऊंगा। जरूर, मैं भी चाहूंगा कि किस्मत मौका दे कि मैं आपको बता सकूं कि जो लड़की मेरे प्यार में बंधी है वो दुनिया की हर जंजीर तोड़ के आ सकती है। आप यहां कैसे मिली तुम हमारे बेटे से? जानती क्या हो उसके बारे में और क्यों इतनी जल्दी शादी के लिए राजी हो गई? तुम हमें जवाब दो ना दो, हम सब जानते हैं तुम जैसी लड़कियां मौके का फायदा उठा के बड़े लोगों के करीब आके अपने ख्वाब पूरे करती हैं। भाभी, रेफ्यूजी हो ना, गरीबी और हालात से लड़ते लड़ते इतनी चालाकी तो आ ही गई होगी। वो दरअसल बात ये है कि जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ ना, तो रानी साहिबा ने मुझे उसको ढूंढने में मदद की थी, लेकिन उस वक्त कुछ बात नहीं बनी, तो मैंने सोचा एक बार खुद उनके पास आके उनसे गुजारिश करूँगा कि इस सिलसिले में मेरी मदद करें। कमाल है, रानी साहिबा खोए हुए लोगों को ढूंढने में आपकी मदद करेंगी? जी। अरे वो तो जो सामने खड़े उन्हें खो देती हैं। खैर, हमें ये बताइए आपका कौन खोया है? मेरा दिल, मेरी जान, जिसे मिलने के लिए मैं पिछले 4 साल से तड़प रहा हूं, वो जो मुझसे मिलने के लिए मुझसे कहीं ज्यादा बेचैन होगी, हर पल हर लम्हा मेरा नाम लेती होगी, याद करती होगी, मेरी मंगेतर। संतो, इस
इतने कीमती गहने तो तुमने कभी देखे भी नहीं होंगे, है ना? जानती हो इसे क्या कहते हैं? जी इसे चढ़ाऊ नौलखा कहते हैं। गहने तो इससे भी कीमती देखे, पर अपने माँ बहू जी से एक उससे भी कीमती बात सीखी है मैंने, कि अपने घर वालों और अपने परिवार के सामने ये गहने और हीरे सिर्फ पत्थर के बराबर होते। वाह, आपकी बातें सुनकर तो किसी को भी मोहब्बत में यकीन हो जाएगा। अगर हम आपसे दो चार बार और मिल लिए तो हम भी मोहब्बत में यकीन करने लग जाएंगे। खैर, कोई तस्वीर या कुछ होगी आपके मंगेतर की, हम भी तो देखें आपकी मोहब्बत दिखती कैसे। नहीं जनाब, तस्वीर तो बंटवारे की भेंट चढ़ गई। सिर्फ इसीलिए मैं सोचा कि रानी साहिबा के पास आऊंगा और उनसे एक बार दरख्वास्त करूंगा कि मेरी मदद करें। रानी साहिबा कब मदद करेंगी या नहीं करेंगी या करेंगी ये सबका तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ आपकी मदद हम कर सकते हैं और वो भी अभी। आप हमारी मदद करेंगे? क्यों नहीं, उस दिन जब हमारी शादी थी आपने हमारी मदद की, तो आज आपकी मंगेतर को ढूंढने में हम आपकी मदद करते हैं, हिसाब बराबर। आइए हमारे साथ जी। आओ बिंदु, तुम भी चेहरा देख लो, रसम पूरी करो। जी बाबू। आइए, वेलकम। ये है हमारा कमरा और आज हम बहुत खुश हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम जीत गए और इसी खुशी में हम आपकी मदद जरूर करेंगे। देखिए, इस टैलेंट के बारे में हमारे अलावा और कोई नहीं जानता। अरे फोटो नहीं है तो क्या हुआ, हम बनाएंगे तस्वीर। आप बस हुलिया बताते चलिए और हम तस्वीर बनाते चलते हैं। और देखना, हूबहू तस्वीर बना के रंगों में न डाल दिया ना, तो हमारा नाम भी कुंवर वीर प्रताप सिंह नहीं। शुरू करें? जी। शुक्रिया। तो बताइए कैसे दिखती है आपकी मंगेतर? कैसी दिखती हैं वो? तो चलिए सबसे पहले उनकी आंखों से शुरू करते हैं, क्योंकि उनकी आंखों के रास्ते से ही मैं उनकी दिल की सीढ़ियां उतरा था। यूं मान लीजिए कि दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें उनकी, अगर वो खामोश भी रहें तो लाखों बातें बयान कर देती हैं उनकी आंखें। चले जंगल की हिरनी जैसी आंखें, तीखे हैं नैन नक्श, भोली भाली सूरत।
लीजिए, आंखें बन गई। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.